सियासत के लिए आज बेहद अहम दिन है। रालोसपा का जेडीयू में रविवार को विलय हो जाएगा। दोपहर 2 बजे जेडीयू कार्यालय में विलय का कार्यक्रम रखा गया है। वही विलय से पहले रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही थी कि 2 से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद पंचायती राज विभाग के ऊपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह पर ध्यान नहीं दें और अपनी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने नक्सल प्रभावित टोकलो थाना क्षेत्र से 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन की बी टीम के नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 4 मार्च को भाकपा माओवादी संगठन की बी टीम ने ही पुलिस पर पाइप बम से हमला कर दिया था जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। आप सभी जानते हैं दिनांक 4/3/2021 को टोकलो थाना अंतर्गत लांजी पहाड़ पर पुलिस अभियान के लिए जा रही थी। उस दौरान घात लगा कर उग्रवादियों के द्वारा लैंडमाइंस विस्फोट किया गया था। पाइप बम विस्फोट में जो क्लेमोर पाइप बम था उसके विस्फोट में 3 झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे और बाकी 3 घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस इसको चैलेंज के रूप में इस घटना को लिया था और इस घटना में शामिल उग्रवादियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार एसपी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था। टेक्निकल अनुसंधान और अन्य आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल कई लोगों के नाम आए। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त आज पकड़े गए। जिस मामले पर हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, चाईबासा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 10 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बात सामने निकल कर आई है? जी, इनके जो तारीख जो है कि पिछले 10 दिन पहले जो है कि टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव में, सॉरी मैडम, वो लांजी में जो घटना घटी है जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे और 3 जवान घायल हुए थे, ये जो है माओवादी का जो है बी टीम के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है। जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार है ये माओवादियों का जो है लैंड माइंस बिछाने का काम करते हैं, सामान पहुंचाने का काम करते हैं और इनकी गिरफ्तारी से जो है नक्सलियों का कमर टूटी है और पुलिस को बड़ी सफलता मिला है। इसे काफी कुछ जानकारी मिली है जो आगे पुलिस के लिए फायदेमंद साबित होगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया संतोष। तो आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों से जो माओवादी है उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस को कई सुराग मिले हैं जो आगे पुलिस के काम आ सकते हैं। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर इलाका दहल उठा। घटना से आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को भी लोगों ने बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित के साथ पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फिर घर में घुसकर जमकर गोलीबारी की और हथियार लहराते हुए मौके से चलते बने। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कई घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। वहीं घटनास्थल से पुलिस ना कोई खोखा भी बरामद किया। घटना के बाद लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। इतना 50 आदमी झूठ बोल रहा, पूरा बोल रहा।
कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित रानी घाट में डॉग स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल डॉग स्क्वाड टीम ने खेत में छुपाकर रखे हुए 100 लीटर शराब को जब्त किया है। वहीं एसडीपीओ ने डॉग स्क्वाड टीम की सराहना की। कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा थाना में रानी घाट है, जो टाउन से सटा हुआ ही है लेकिन इंटीरियर है, नदी के उस साइड है। तो वहाँ का पहले भी छापमारी हुई थी, कई बार छापमारी, उसी में कल हमारे आईजी साहब के यहाँ जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से शराब की लगभग 100 लीटर बरामदगी हुई है और उसमें 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, पहले भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो शराब बंदी को लेकर सरकार काफी कृतसंकल्प है और उसी के तहत हम लोग उनके निर्देशानुसार। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन जुड़ चुके हैं। सुमन, डॉग स्क्वाड की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, इसमें 100 लीटर शराब बरामद किए गए हैं, अभी तक इसमें क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, कटिहार जिला प्रशासन के द्वारा जो है स्पेशल खोजी डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा जो है 100 लीटर शराब बरामद किया गया है और चिन्हित इलाके में जो है शराब की सूचना मिली थी, जहां की खोजी स्क्वाड टीम के द्वारा जो है शराब बरामद किया गया है। जिन लोगों के यहां से शराब बरामद हुआ है उसमें 2 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है और कटिहार जिले में एक ये नया तरीका खोजा गया है, जहाँ की शराब खोजने को लेकर स्पेशल खोजी स्क्वाड डॉग के द्वारा जो है अब शराब जो है जब्त किया जा रहा है। जी, इसमें जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? देखिए, जहाँ पे छापामारी की गई है, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अमरकांत झा जो है कटिहार के हैं, उनके द्वारा एक टीम बनाई गई थी जिसमें कि कई जगह पर जो है छापामारी की गई है, लेकिन 2 लोगों की प्राथमिकी दर्ज की है, 2 उसमें और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कटिहार में अब डॉग स्क्वाड की टीम भी शराब की खोज में निकल पड़ी है, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम को बड़ी सफलता मिली और 100 लीटर शराब बरामद किया गया है, जहां पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित खेरिया पंचायत में आपसी रंजिश में एक युवक ने अपने पड़ोस के युवक को गोली मार दी। घायल युवक का कहना है कि वह अपने मौसेरे भाई के जन्मदिन के लिए केक लेकर लौट रहा था, इस दौरान पड़ोस के युवक ने उसे गोली मार दी। फिलहाल घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। हम लोग केक लेके जा रहे थे, मौसी का बेटा का बर्थडे था, लेके जा रहे थे, वो लोग उधर से आ रहा था, गाली गलौज करके गोली चला दिया था। एक गोली मेरे पे चलाया, 3-4 फायरिंग किया आगे। किस जगह का ये घटना है? घटना खेड़िया सदर टोला का 5 नंबर वार्ड। आरा के टाउन थाना क्षेत्र स्थित नगर मोहल्ले में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। आनन फानन में घायल दुकानदार को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जख्मी से घटना की जानकारी ली। नालंदा के हिलसा एकंगड़सराय मुख्य मार्ग स्थित पटेल नगर के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल बीच सड़क पर बदमाशों ने सरेआम छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि बस पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद के कारण यह मारपीट हुई। लोगों का कहना है कि तीनों छात्र हिलसा से अपने घर जा रहे थे, इस दौरान पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए छात्रों का इलाज जारी है। लाने गए थे, उसमें वो सब आकर एक बार हमला करना पड़ा, मारना पड़ा, मारपीट किया, मारा पीटी के कोई कारण नहीं, बस ऐसी मार बैठा। आप लोग बाहर से आ रहे थे? बाहर से हम लोग पंखा लाने गए थे, उतर कर उधर से वे सब मारना शुरू कर दिया। सब चिन्हे नहीं आप कौन थे? चिन्हते बट लेकिन किसी का नाम नहीं जाना।
हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये मारपीट का जो मामला है, कब की है ये घटना? ये बताना चाहूंगा, ये कल दोपहर की घटना है। ये यहाँ पर बस पर उतरने चढ़ने को लेकर दो युवकों में विवाद होता है, और उसके बाद जब बस स्टैंड आती है तो वहाँ पर पहले से कुछ युवक मौजूद रहते हैं जो लाठी डंडे से लैस रहते हैं। बस से उतरते ही युवक की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर से पास गुजर रहे राहगीर ने इसका वीडियो बनाया जो अभी सोशल मीडिया पेज से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस को कोई भी लिखित आवेदन नहीं दी गई है, जिसके कारण से पुलिस ने अभी इससे कोई भी कार्रवाई करने की बात नहीं कही है। फिलहाल तीनों इस घटना में 3 युवक घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है, और सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी तक किसी का कोई भी खतरे की बात नहीं बताई जा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर बता दें कि छात्रों को बदमाशों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर सरेआम पीटा। फिलहाल इसमें पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है और कार्रवाई जारी है।